आज का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। शायद जो भाई मेरे पास कमेंट बहुत दिन से कर रहे हैं, शायद हो सकता है मेरी ये वीडियो देख भी रहे होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे आए दिन के बहुत ज़्यादा कमेंट्स या मैसेजेस आया करते हैं। उनका एक सवाल है कि क्या दिनेश भाई, ये जो लिंग की नसें मर जाती हैं या दब जाती हैं, उन नसों को सही करने के लिए सर्जरी कराना पड़ेगा या फिर ऐसे ही आयुर्वेदिक उपचार या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इसको सही किया जा सकता है। तो दोस्त, बहुत सारे जो गुप्त रोग की समस्या होती है, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि पता नहीं उस डॉक्टर से दवा लूँ कोई साइड इफेक्ट ना कर जाए, पता नहीं सही होगा कि नहीं, या जीवन भर ऐसे रहेगा। बहुत सारे डाउट्स माइंड में चला करते हैं ना। देखो, आज की जो कॉन्सेप्ट है मेरी, ये कॉन्सेप्ट है कि आपका पेनिस, यानी कि ये जो पेनिस है आपका, ठीक है दोस्त, ये पेनिस आपका ढीला पड़ जाता है। ठीक है, ये पेनिस आपका एकदम ढीला पड़ जाता है, ऐसे कुछ ये कंडीशन में आपका पेनिस हो जाता है, ऐसे इस कंडीशन में हो जाता है। और इसमें ये वाली फीलिंग नहीं आती है, जो ये वाली स्टैंडिंग है, ये वाली फीलिंग नहीं आती, बल्कि ज़्यादातर, यानी कि मैं यहाँ तक कहता हूँ 55% 75% लोगों को यही चीज़ फेस करना पड़ता है। और जो 25% लोग होते हैं ना दोस्त, 25% लोगों का ही पेनिस ऐसे होता है, बाकी जो भी 75% है पेनिस, ये कुछ लोग ऐसे ही फेस करते हैं। उसका मेन वजह जो है, मैंने कई सारी वीडियोज में बता भी रखा है कि मेन वजह है हस्तमैथुन। हस्तमैथुन करके जो हमने अपनी नसों को ख़राब कर दिया है, पेनिस की नसों को बर्बाद कर दिया है मेरे दोस्त, ना मेन कारण वही है कि हमारे पेनिस को ये दिन देखना पड़ रहा है। और इस दिन के लिए हम परेशान हैं कि ये वाला दिन हमको कब देखने को मिलेगा, कि ताकि हमको अपने बीवी के सामने संकोच या शर्मिंदा ना होना पड़े। देखो दोस्त, आज मैं किसी डाइट के बारे में बात नहीं करूँगा, ना किसी खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में बात करूँगा। आज कुछ एजुकेशन ऐसी मैं आपको दूंगा जो सच में आपको ज़रूरत है, आपको नीड है उस एजुकेशन की, जो आज तक आपको किसी भी डॉक्टर या किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। इसलिए मैं कहता रहता हूं, आप मेरी वीडियो बिल्कुल मत मिस किया करो दोस्त। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप तुरंत जाओ मेरी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करो, क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं किए हो यार। आप लोगों के लिए दिन रात गला फाड़ फाड़ के और कुछ भी सोच लो फाड़ फाड़ के वीडियो में बनाता रहता हूं, मेहनत करता हूं, लेकिन अदर सोशल मीडिया पर आपको मुझे फॉलो करोगी ना, तो आप अभी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो किए हो ना, फेसबुक पेज पर फॉलो किए हो, पहले जाके कर लो मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज, मेरे पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें भी आपको फेसबुक पेज पे मिलेगी, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करता रहता हूं, तो पहले जाके फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फटाक से यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, पहले जाके देखो वहां पे और फॉलो करो, उसके बाद वीडियो आके देखो। ठीक है, तो ये जो पेनिस इस कंडीशन में हो पाना संभव जल्दी नहीं है। देखो दोस्त, डाइट कितना भी आप लो, आप अच्छी अच्छी डाइट लोगे तो ये मत समझो आपके पेनिस में तनाव कुछ हद तक इस कंडीशन में आ सकता है, लेकिन आप ये सोचो कि मेरा पहले वाला फीलिंग हो जाए, पहले वाला फीलिंग आ जाए, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको फोकस में भी लानी पड़ेंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो भाई का जवाब है, सवाल है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। भाई ने कहा, पेनिस की नसें जो मैस्टरबेशन करने की वजह से ख़राब हो जाती हैं, क्या उन नसों को सही करने के लिए सर्जरी कराना पड़ेगा? नहीं मेरे दोस्त। अरे यार, यहाँ कौन पागल सर्जरी करेगा यार, ये कहाँ सर्जरी इसको करोगे? हड्डियाँ थोड़ी है, नसों में क्या सर्जरी, कोई सर्जरी नहीं होता, इसको ऊपरी तरीके से सही किया जाता है। कभी हम देखते हैं सांडे का तेल लगाने के लिए बहुत सारी विधि बताई जाती है, कभी पान का पत्ता भी लगाने के लिए, बांधने के लिए बताया जाता है, कभी सरसों का ओरिजिनल तेल लगाने के लिए भी बताया जाता है, कभी मार्केट में जापानी तेल के लिए भी बताया जाता है, बहुत सारे ऑयल हमको रिकमेंड किए जाते हैं। लेकिन सच में जो सबसे पावरफुल, सबसे अच्छी चीज़ है, वो होता है पान का पत्ता। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया था, लेकिन आपके मन में हमेशा डाउट रहते हैं, तो आपके पान के पत्ते में या तो आप सूखे भी बांध सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप सूखे भी बांध सकते हो, वैसे ही बांध के छोड़ देना, कस के नहीं बांधना। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना, उस पान के पत्ते में हल्का सा सरसों का तेल ऐसे ऐसे लगा लेना, ज़्यादा नहीं, उसके बाद तेल लगा के फिर उसको पेनिस पे ऐसे बांध लेना, पेनिस के आगे वाले हिस्से को भाई नहीं बांधना है, उसको गैप, उसको छोड़ देना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, बाकी ये चीज़, ये प्रक्रिया आप कंटिन्यू करते रहना, आप देखोगे 15 दिन के अंदर, जाहिर सी बात है दोस्त, आपके पेनिस में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, सच बता रहा हूँ। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट जरूर करना, वीडियो पे लाइक करना, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किए तो जाके कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे जल्दी, जय हिंद।